शादी इस एज में अगर शादी करें तो अंडरस्टैंडिंग रहती है, काफ़ी रहती है यंग एज में अगर आप शादी करो, काफ़ी अगर रिलेशन लाइक रिलेशन रखा हुआ है अगर आप लोगों ने 3-4 साल से, तो उसको बताओ घर पे बता के निकाह कर ले, क्योंकि फिर काफ़ी गुनाहों से बच जाता है बंदा, काफ़ी गुनाहों से बच जाता है। तो इससे अच्छा जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, घर पे बताएं। और जाहिर सी बात है मोम डैड सपोर्ट करेंगे, हर मोम डैड चाहते हैं कि हमारा बेटा यानी कि खुश रहे, उसकी मर्जी हो, तो सपोर्ट करेंगे, तो बेफिक्र होके शेयर करें घर पे। एक हीर थी यार था एक राजा, कहते हैं मेरे गांव में। मैनू इश्क दा लग्या रो, मेरे बचने दी रही उम्मीद। तेरे नाल जीवांगे, तेरे नाल मरांगे, असां तेरे नाल हुई तेरे बाजू दुनिया। असद के वालदा हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि जब असद ने पहली बार आपको बोला कि जी मुझे शादी करनी है, तो कैसा रिस्पांस था आपका? झटका तो लगा एकदम। मैंने कहा कैसे, इसके पापा को भी और मुझे भी। हमने जब इससे पहले से पूछा कि असद हम आपके लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो अगर आपको कोई लड़की पसंद हो तो आप बता दें। तो असद ने कहा कि पापा मेरे घर के साथ जो एक घर है ना, उसमें एक लड़की निमरा है, तो आप उसके घर में पूछ रहे, बहुत अच्छी लड़की है, मेरी तो वो हिदमत करेगी लेकिन आपकी भी करेगी ना, तो आप उसका पूछ ले। तो इसके पापा कहते हैं अच्छा, उसके पापा खुश हो गए, मुझे कहते अभी चलो। मैंने कहा, क्योंकि देखे हुए थे ना, हमारे साथ रहते थे, पता था इनके अम्मी अबू भी बहुत अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। तो मैं कहते अभी चलो, मैंने कहा नहीं, अभी तो वो बच्चा है ना, उसने वैसे ही बोल दिया, अब थोड़ा सब्र तो करें, हम ओमान वापस जाएंगे, वहाँ पे पूछेंगे जाके, फिर बात करेंगे। कहते नहीं नहीं अभी चलो। तो लेकिन मैं नहीं इनको लेके गई, मैंने कहा नहीं हम ओमान जाके बात। अच्छा ओमान गए, बात थोड़ी सी ठंडी हो गई ना, लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि इस एज में अगर शादी करें तो अंडरस्टैंडिंग रहती है, काफ़ी रहती है यंग एज में अगर आप शादी करो, काफ़ी अगर रिलेशन लाइक रिलेशन रखा हुआ है अगर आप लोगों ने 3-4 साल से, तो उसको बताओ घर पे बता के निकाह कर ले, क्योंकि फिर काफ़ी गुनाहों से बच जाता है बंदा, काफ़ी गुनाहों से बच जाता है। तो इससे अच्छा जितनी जल्दी हो सके शादी कर लें, घर पे बताएं। और जाहिर सी बात है मोम डैड सपोर्ट करेंगे, हर मोम डैड चाहते हैं कि हमारा बेटा यानी कि खुश रहे, उसकी मर्जी हो, तो सपोर्ट करेंगे, तो बेफिक्र होके शेयर करें घर पे।